तो आज जा रहे हैं हम मूवी देखने। आज ओपन मूवी होगी, बाहर लगेगी ग्राउंड में। देखते हैं, पहली बार देखने जा रहे हैं तो कैसा माहौल होता है, क्या करना है, देखेंगे जाकर। ये मैडम का रेडी नहीं हो रहा, 8 बजने लगे हैं, 2 मिनट रह गए हैं। शो 8 बजे का शुरू हुआ और ये रेडी नहीं हुई अभी तक। जिम भी स्टार्ट कर लिया हमने, 85 kg है, हर एक वीक 1 किलो कम करना है। और इसने भी, इसका तो पूछो ही ना कितना बढ़ गया। यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, इसलिए जिम किया अभी स्टार्ट कर। होंगे पतले इकट्ठे, ये घर पे होगी, मैं जिम में होगा। मौसम बादल हुए पड़े, ओपन शो पता नहीं कैसे होगा। अब गाड़ी में बैठ के ही देखेंगे, बट खिड़कियां तो खुलेंगी, बट हवा इतनी तेज है कि पूछो ना। चले डेस्टिनेशन पे। फिर आज वो फिर स्टार्ट करें तो उन्होंने जो पैम्फलेट दिया है, कह रहे 90.7 FM रेडियो पर ट्यून इन करो और देखो। देखते हैं करके स्टार्ट। मूवी स्टार्ट हो गई, आई थिंक मूवी स्टार्ट हो गई है, लेट हो गए हम तो। मैनुअल करते हैं 90.7 FM करना है, AM कर दिया और ये रहा 90.7, बाहर ही था तो FM पे गए और यही है, पहले नंबर पर ही है 90.7। लेट्स सी, क्या बात है। हमारी पोजीशन बड़ी गलत है ना। FM से कनेक्टेड है और वहाँ से सारा चैनल किया हुआ है FM पर और वहाँ मूवी चल रही है। रश लगाया बहुत ज्यादा वाला रश। हाँ यहाँ पर रश है पूरा ना। अच्छा रहा। हाँ वो तो मजा आया यार, मेरा तो दिल था और देखने का। असल में मजा पता क्यों आया ज्यादा, स्पीकर अच्छे थे गाड़ी के। स्पीकर भी अच्छे थे बट वैसे भी अच्छा था। हाँ वैसे भी मजा आया। हाँ वो पूरी फीलिंग, पूरी थिएटर वाली फीलिंग आई। और क्या, ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया तो सॉरी फॉर दैट। आपको थोड़ी सी क्लिप्स ऐड करके दिखा देंगे आगे कि हमने क्या क्या किया वहाँ पर। किया तो कुछ नहीं, मूवी ही देखी। सारे एज के आए हुए थे वहाँ पर, स्पेशली ज़्यादा बच्चे थे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा। पहले कभी नहीं मैं ऐसे बाहर कहीं गया मूवी देखने ओपन में, तो
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबको करना चाहिए एक बार ये एक्सपीरियंस, जाकर आए, देखकर आए और ख़ुद भी अरेंज कर सकते हो। बस स्क्रीन चाहिए आपको और प्रोजेक्टर चाहिए और बस। लेट हो गए आते, बस अभी खाना बनाना है, खाना बनाकर खाएंगे, फिर बनाते बनाते लग रहा 12 बज जाएंगे आज, तो सुबह काम पर भी जाना है, तो चलें हेल्प करवाएं, खाना बनाएं और आपको मिलेंगे कल। बाय।